हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सर्कल जेई मेंस के। ऑलमोस्ट 2020 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। कुछ तीन चार क्वेश्चंस और बाकी हैं, वो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा। टुडे इज गोइंग टू द पार्ट 45, और आज हम लेने वाले हैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे गाइस। सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड गोइंग टू द पार्ट 45। वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, बिकॉज जितना भी वॉच टाइम आ रहा है, 35% गाइस सब्सक्राइब्ड ऑडियंस से आ रहा है और 65% अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंस से आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो रेगुलर चैनल को देखते हैं, सो दे शुड कन्वर्ट देमसेल्फ इन टू दिस नंबर। सो दैट शुड बी चेंज, दिस शुड इंक्रीज, दिस शुड डिक्रीज। सो देन इट विल बी ए बेटर फॉर द चैनल एंड इट विल बी ए मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो, राइट? सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन गाइज। जेई एडवांस के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड दिस इज गोइंग टू द जेई एडवांस्ड सीईडी यहाँ पे आएगा, एडवांस 2019, राइट? अ लाइन वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस वन इंटरसेक्ट द सर्कल एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल टू 25 एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये जो लाइन है इस सर्कल को पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट माइनस थ्री अपॉन फाइव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसने जो एम की वैल्यू है उसको इंटरवल फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमें वही चेक करना है कि कौन सा इंटरवल इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है ना गाइस? तो अगर मान लीजिए इसको अगर हम सर्कल को ड्रॉ कर दें, देयर इज द सर्कल गिवन एंड इट हैज द सेंटर एज ए पी कॉमा माइनस टू, सेंटर हो जाएगा, रेडियस इसकी 5 है। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इसमें एक ये लाइन है, दिस इज द लाइन एंड इट इज इंटरसेक्ट द सर्कल एट द टू पॉइंट्स। सो दीज आर द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू एंड लाइन इज गिवन एज द वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेंटर, ये सारी बातें, राइट? अब देखिए आगे कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू एज द एक्स कॉर्डिनेट, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें एक चीज पता है कि कोई कॉर्ड होगा और सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं सो दैट इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट। ठीक है ना, तो वो मिड पॉइंट पे एक्स कॉर्डिनेट माइनस थ्री अपॉन फाइव दिया हुआ है एंड दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन टू दिस लाइन ऑल्सो। तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हम निकाल पाएंगे, माइनस थ्री अपॉन फाइव प्लस वन, सो वी कैन राइट द माइनस थ्री अपॉन फाइव एम प्लस वन, दिस इज गोइंग टू द वाई कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट आर, जो कि इसका मिड पॉइंट भी है। सो माइनस थ्री अपॉन फाइव एम प्लस वन हो जाएगा गाइस, बस ये कंडीशन हो गई। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ये लाइन का स्लोप है, कॉर्ड जिसे बोलेंगे, कॉर्ड का स्लोप है, उसमें कंडीशन चाहता है। तो कंडीशन देखिए, क्वेश्चन डेफिनेटली कंफ्यूज करने के हिसाब से ये इंटरवल फॉर्म में दे दिया है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिकॉज सीपी का स्लोप निकाल सकते हैं और पीक्यू का स्लोप एम है। ठीक है ना, सो दैट वी नो दैट दिस इज द एम, और इस तरह से जो पीक्यू का स्लोप बनेगा, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, और उसको रेसिप्रोकेट करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वन बाय एम हो जाएगा। ठीक है ना, सो इसको मैं यहां लिखता हूं, माइनस वन बाय एम, एंड दिस इज द स्लोप गाइस। यही स्लोप हम यहाँ टू पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। सो माइनस पी अपॉन फाइव एम प्लस वन, दिस इज वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो माइनस थ्री अपॉन फाइव एंड माइनस थ्री, दिस इज गोइंग टू दिस वन। अब ये सिंपली जो इक्वेशन होगी इसको सॉल्व करना है और देखना है क्या आता है। ठीक है ना, सो ये हो गया आपका, माइनस कट कर दीजिए, वन बाय एम इक्वल्स टू, दिस इज गोइंग टू द माइनस थ्री अपॉन फाइव प्लस थ्री डिवाइडेड बाय, और अगर माइनस हमने कट कर दिया है तो थ्री अपॉन फाइव प्लस थ्री, तो थ्री प्लस फिफ्टीन, दिस इज एटीन बाय फाइव, 18 बाय 5 इधर ले लेंगे, सो वी कैन राइट द 18 अपॉन 5 एम इक्वल्स टू, 18 अपॉन 5 एम इक्वल्स टू, दिस इज 3 माइनस, 3 माइनस 3 अपॉन 5 एम। ठीक है ना,
इस तरह से लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लिया इसका और इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो दिस इज 15 माइनस 3m 5 कैंसल्स और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे 18 इक्वल्स टू दिस इज 15m माइनस 3m स्क्वायर और यू कैन राइट द 3m स्क्वायर माइनस 15m एंड प्लस 18 इक्वल टू 0 एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0 और m की वैल्यू फिर लिख सकते हैं 2 और 3 आ जाएगी। इसके क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स ले लेंगे सो 2 एंड 3 विल बी द फैक्टर्स बिकॉज ये जो है आपका m माइनस 2 m माइनस 3 इसके फैक्टर्स इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज करने के हिसाब से इसने यहाँ पे ये दिया हुआ था, m को इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ था लेकिन इंटरवल फॉर्म में नहीं आ रहा, एम का वैल्यू हमारा 2 और 3 आ रहा है, हमें ये चेक करना है कि किस इंटरवल में वो पड़ेगा। ठीक है, ए ऑप्शन में नहीं जाएगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ एम इज 2 और 3, तो एम की वैल्यू सेकेंड ऑप्शन में नहीं जा रही है, थर्ड ऑप्शन में जा रही है बिकॉज एम इज 2 एंड 3। सो वी कैन से दैट एम बिलोंग्स टू 2 से 4 तक के बीच में अगर होगा then m will be the 2 and 3, so we can इसमें c option जो है guys इसमें right हो जाएगा। ये बिल्कुल definitely ये जो condition दी थी ये बिल्कुल उसने confuse करने के लिए यहाँ पे दी है कि m interval form में आ रहा है जबकि हम m जब solve करेंगे तो वो quadratic form में m की दो values देगा और यहाँ से हम decide कर सकते हैं कि m की value between 2 and 4 आएगी including 2। ठीक है, इसके बाद next question लेते हैं। सो गाइज दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस 2019 पेपर 1। ठीक है, सो लेट द और ये पूरा इंटीजर टाइप ऑप्शन इसमें है तो यहाँ पे इंटीजर टाइप आंसर करना था। लेट द पॉइंट बी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए 2 3। सो बी इज द, पहले पूरा क्वेश्चन मैं ध्यान से पढ़ता हूँ और उसके बाद में हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। राइट, सो लेट द पॉइंट बी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए विच इज 2 3 with respect to this line। ठीक है, this line is there and B is the reflection of this point A, that is right। Let और ये जो है ये इसने सिंबल कुछ डिफरेंट यूज कर लिया, सर्कल के लिए एस ए सर सी वन और सी ए बी यूज कर सकता था, सी ए सी बी एंड दिस इज कॉल्ड द टॉ, दिस इज कॉल्ड द टॉ, ग्रीक वर्ड है लेकिन ठीक है मैं इसको टॉ नहीं बोलूंगा, लेट से मैं सी ए सी बी बोल देता हूँ। CA और CB, these are the two circles, right? So let CA and CB be the circles of the radii। CA की radius इसकी 2 है और second वाले circle की radius 1 है with the centers at A and B और इनके centers A और B पे हैं guys, right? Respectively, let T be the common tangent to the circle CA and CB। Circle CA और CB के दोनों का जो common tangent है वो टी गिवन है, सच दैट बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टी। सो बोथ द सर्कल्स आर ऑन सिंस मीन्स एक के टेंजेंट के एक ही तरफ है दोनों। राइट, नाउ इफ सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टी एंड द, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों को आगे एक्सटेंड करेंगे टेंजेंट को, सो दिस सी बिकम्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी एंड द लाइन पासिंग थ्रू द ए एंड बी, जो ए और बी जो कि इनके सेंटर्स हैं वहां से जो लाइन पास हो रही है वो टेंजेंट को आगे सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना, तो ये कंडीशंस तो हम लोग बनाते ही हैं। देखिए इस तरह की है, दिस इज द फर्स्ट सर्कल राइट एंड दिस इज गोइंग टू द सेकेंड सर्कल। इसमें एक और चीज दे रखी है कि ये जो लाइन है वो मैं बीच में बना देता हूँ। ठीक है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन और ए और बी जो रिफ्लेक्शन पॉइंट बता रहा है इसका कि ए के कोऑर्डिनेट्स आपको 2 3 गिवन है, 2 3 गिवन है राइट, और इस पे जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे दैट टेंजेंट लाइन और ए बी को आगे एक्सटेंड करने पर वो उसको सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज आल्सो गिवन एंड बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ दिस टेंजेंट टी इक्वल टू 0। तो अब आपका ए पॉइंट गिवन था, तो ये वाली जो लाइन है लेट सपोज दिस लाइन इसके बिल्कुल मिड में आएगी और इस लाइन की इक्वेशन जो है दैट इज द 8x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू 0, बिकॉज
बी पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है राइट, और इस पॉइंट को हम कुछ भी बोल इसमें दिया हुआ नहीं है, सो दैट इज नॉट गिवन. लेट से दिस इज द आर पॉइंट राइट. सो ए आर इक्वल्स टू बी आर एंड वी कैन फाइंड आउट द दिस कोऑर्डिनेट ऑल्सो. बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इसमें तो जरूरत पड़ेगी. और उसमें देखिए आप पहले वाले की जो रेडियस है इसकी रेडियस आर वन, सो दिस आर इज इक्वल्स टू टू. सेकेंड वाले सर्किल की रेडियस आर इक्वल्स टू वन है, ये भी गिवन है ठीक है. अब मुझे एक काम करना होगा कि ये इनके बीच में हम रिलेशन जानते ही हैं, दिस दीज आर द सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल की नेमिंग कर देते हैं, दैट इज द ए बी सी एंड लेट्स से दिस इज डी ई राइट. सो वी कैन से दैट डी बी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ई ए सी. सो डी बी सी इज सिमिलर टू, वी कैन से डी बी सी इज ट्राइंगल, डी बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ट्राइंगल ई ए सी, ई ए सी उसके सिमिलर है ठीक है. तो ये कंडीशन हम देख लिए देख रहे हैं. अच्छा दूसरी बात यह है कि वी रिक्वायर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी, ए सी लाइन सेगमेंट की ये टोटल लेंथ आपको निकालनी है. अच्छा ये लेंथ अभी गिवन नहीं है, तो वी कैन फाइंड आउट दिस ए आर डिस्टेंस, ए आर का हम डबल कर देंगे तो हमें ए बी डिस्टेंस मिल जाएगा राइट. तो पहले एक काम करते हैं, टू थ्री पॉइंट से ये जो लाइन गिवन है दैट इज द एट एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस 23 इक्वल टू जीरो, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं. दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द ए आर राइट. तो ए आर डिस्टेंस जो हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला, सो 8 इंटू टू माइनस 6 इंटू थ्री माइनस 23 डिवाइडेड बाय दिस इज गोइंग टू द 64 प्लस 36 राइट. इसका पूरा मॉड वगैरह कर देंगे, सो दिस इज 16 माइनस 18 एंड माइनस 23 राइट एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 110, दिस इज गोइंग टू द 10. और इसको पूरे को ठीक है बाद में पॉजिटिव कर ही देंगे हम लोग, सो इट इज गोइंग टू द माइनस 2 माइनस 25, सो दिस इज 25 बाय 10 एंड बेटर यू कैन राइट द 5 बाय 2. सो ए आर इज इक्वल्स टू 5 बाय 2. अब यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस देखिए, ए आर अगर 5 बाय 2 है तो ए बी कितना हो जाएगा ठीक है. सो ए बी डिस्टेंस इज नाउ ए बी इज 5. So we can say the AB distance is equals to 5. इस डायग्राम को थोड़ा समझने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे बना देता हूँ, बस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहेगा भी है. टी ये आपका टी पॉइंट पे मिल रहा है एंड दिस इज गोइंग टू लाइक दिस राइट गाइस. दिस इज ए और बी, इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 1 है, ए बी आपके पास में 5 है. अब आपके पास में ए बी 5 हो गया, सी है एंड वी रिक्वायर द लेंथ इस, हमें जो लेंथ रिक्वायर्ड है ए सी चाहिएगी ठीक है ना. तो सिमिलर ट्राइंगल में हम कंपेयर करेंगे कि दिस लेंथ इज, इसको हमने सी डी ई बोला, वी कैन राइट द डी बी ई, डी बी बाय ई ए इक्वल्स टू डी बी बाय, तो यहाँ बी सी ले लेंगे. देखिए बी सी, बी सी इसकी लेंथ इस वाले सिमिलर ट्राइंगल की, तो आपकी इसकी हो जाएगी ए सी इक्वल्स टू, और यहाँ ये इनके जो रेडियसेस दे रखी हैं वो रेशियो का पार्ट बनेगी 1 बाई 2, बट वी रिक्वायर द लेंथ ए सी ठीक है. तो क्या मैं बी सी को ए सी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो यस, इट बी सी कैन बी रिटन एज द ए सी माइनस ए बी, दिस इज ए सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय दिस इज गोइंग टू द ए सी इक्वल्स टू 1 बाई 2 एंड ए बी वी है, ए बी हमारे पास में 5 है, तो डिस्टेंसेज निकल जाएंगे गाइस है ना. सो वी कैन राइट द 2 ए सी, 2 ए सी माइनस 2 ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज 5, ए बी इज 5 इक्वल्स टू ए सी, सो दिस इज गोइंग टू द ए सी, 2 ए सी माइनस ए सी इक्वल्स टू 10. तो या सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ जेई एडवांस 2018 पेपर 1 है ये पेपर, इट इज गोइंग टू द पेपर 1 यस एंड लेट ई वन एंड ई टू. अब ये पूरा क्वेश्चन इतनी सारी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है कि इसका मैंने डायग्राम साथ ही साथ में लिया है, और इसको हम पहले कुछ सारी कंडीशंस को समझेंगे एंड देन विल एबल टू फाइंड आउट ऑल द थिंग्स राइट. सो मेनी इन्फॉर्मेशन इज प्लेस्ड इनटू द पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस 2018 पेपर 1 ठीक है. लेट देखिए क्वेश्चन क्या है, पूरा मैं पहले पढ़ता हूँ एक बार
उसके बाद हम वन बाय वन सारे पॉइंट समझेंगे एंड देन वी विल सिंप्लीफाई एंड एबल टू अंडरस्टैंड द टोटल क्वेश्चन. लेट ई वन ई टू एंड एफ वन एफ टू बी द कॉर्ड्स ऑफ द एस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी जीरो वन वन. ठीक है, तो पी जीरो यहाँ पे आप एक पॉइंट वन वन पॉइंट वैसे भी ले सकते हैं. ठीक है, पी जीरो वन वन एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली. सो इट मीन्स ई वन ई टू इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सो ई वन ई टू इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. दिस इज दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द वन वन पॉइंट गाइस. दिस इज वन वन. तो यहाँ पे ई वन ई टू एक ड्रॉ करेंगे. राइट, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वन इज एफ वन एफ टू. तो एफ वन एफ टू ये आ जाएगी एफ वन एफ टू एंड दिस इज गोइंग टू बी द parallel to the y axis. Right, let g1 g2 be the chord of the s passing through the p0 same point 1 comma 1 se pass ho rahi hai and having the slope minus 1. To ye jo line hai ye g1 hai, this is g1 and this is going to the g2. g2 theek hai, isko main right color se mark kar deta hu. This is g1, this is g1 and this is G2, right? तो ये दोनों इस तरह से हो जाएंगे G1, G2 है. And he says let G1 and G2 be the chord of S passing through the same P0 having the slope minus 1. तो minus 1 slope रखने वाली और यहाँ पे slope minus 1 है और 1, 1 से पास हो रही है. तो हम equation लिख सकते हैं G1, G2 की. Equation of G1, G2. Equation of G1, G2. अच्छा, पहले मैं पूरे कंडीशन पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ दूं, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आते हैं. सो लेट द टेंजेंट टू एस एट ई वन एंड ई टू. ठीक है, ई वन एंड ई टू मीट एट द ई थ्री. वेयर इज द ई वन एंड ई टू? ई वन और ई टू पे जो टेंजेंट्स हैं, यहाँ पे ई वन और ई टू है. दीज टेंजेंट्स टू द सर्कल मीट्स एट द ई थ्री. सो दिस इज गोइंग टू द पॉइंट ई थ्री. लिखा नहीं है उसने गाइस. तो ये जो पॉइंट है, this is going to the E3. This point is E3, right? ये एक point हो गया. And come to the next point. So the tangent to S at the F1 and F2 meet at the F3. तो F1 F2 कहाँ पे हैं? F1 पे tangent, F1 point ये circle पे, F1 पे tangent और F2 पे tangent. ये आप देख रहे हैं. So that is meeting at the F3. So and the tangent to S at the G1 and G2. एट द जी वन एंड जी टू. टेंजेंट एट द जी वन एंड जी टू. अब जी वन जी टू ये पॉइंट्स थे दोनों. जी वन जी टू पे टेंजेंट, इस तरह से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो वो बोल रहा है कि इट इज मीटिंग एट द जी थ्री. सो मीटिंग एट द जी थ्री. सो दिस पॉइंट इज जी थ्री गाइज. ये डायग्राम में गलत लिखा है इसने. सो दिस इज जी थ्री. ठीक है, दिस पॉइंट इज जी थ्री बिकॉज ये इसके सर्कल के दोनों पैरल टू द एक्स एक्सिस एंड पैरल टू द वाई एक्सिस हो जाएगा. And this point is going to be the 2, 2. Why? वो मैं अभी आगे explain करता हूँ कि ऐसा क्यों होगा. Right. Meet at the G3. Then the point E3, F3 and G3 lie on the curve. तो E3 आपका E3, F3 और G3 ये तीनों points के बारे में पूछ रहा है कि ये किस curve पे lie करेंगे. अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ, सो दीज पॉइंट्स जिनके बारे में वो डिस्कस कर रहा है कि ई थ्री, ई थ्री, जी थ्री और एफ थ्री, तो ये तीनों जो होंगे इस तरह से एक लाइन इसमें आएंगे. अभी मैं लाइन नहीं बोल रहा हूँ, लाइन की क्वेश्चन ही आने वाली है इसमें. राइट, तो ये वाली जो चीज है वो पूछ रहा है कि ये किस कर्व पे लाई करेंगे गाइस. ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली ये चीजें करना है. दिस क्वेश्चन हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो दीज ऑल द इंफॉर्मेशन वो सारी, बिकॉज आपके पास में डायग्राम नहीं था, तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट ऑल द थिंग्स. राइट, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है. राइट, तो हम एक काम करते हैं कि सिंपली लाइन बनाते हैं यहाँ से, बिकॉज ये टेंजेंट अगर ड्रॉ हो रहा है. ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो मैं ये बना सकता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस कितना है. ये लाइन अगर मिल गई तो अल्टीमेटली, बिकॉज जी वन और इधर जी टू पे टेंजेंट है, सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, सो कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ जी वन जी टू, बिकॉज स्लोप इज माइनस वन. ये रहा, स्लोप माइनस वन है इसका. ठीक है, और ये एस से पास हो रही है, वन कॉमा वन से पास हो रही है. तो वाई माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन. ठीक है, तो ये लिख लेंगे हम, वाई माइनस वन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन
और x plus y equals to 2, तो ultimately ये 0, 2 point हो गया, and this is the 2, 0 point, so this is the 2, 0 point, 0, 2 point, this is there, तो अब आपको circle, हम बोल सकते हैं, circle कौन सा हो जाएगा, x square plus y square equals to 4 is the circle, this is the tangent line, right, कौन सी g1, g2 है, और ये आपका जो है circle, this will be the circle, means this is the circle with the center 0, 0, and radius is 2, radius is 2, ठीक है, अब अगर इनकी बात करें, तो इस पे हम जब tangent बनाएंगे, तो यहां जो y equals to 1 आएगा guys circle पे, तो y equals to 1 पे हम corresponding point ये निकाल सकते हैं, let's say अभी मुझे मालूम नहीं है कि ये 0, 4 point है, ये कौन सा है, तो वो point हम कैसे decide करेंगे, कि because y equals to 1 हमें मालूम है, so at y equals to 1, तो x का value निकल जाएगा, x equals to plus minus root 3 आएगा, लेकिन इस end पे आ जाएगा, when you put the x equals y equals to 1, तो x square equals to 3 आएगा, x equals to plus minus root 3 आएगी value, तो हम इसकी value लिख लेते हैं, minus root 3, so can we write down the even coordinate, even के जो coordinate है, वो मेरे पास में आ जाएंगे, minus का root 3, comma 1, ठीक है, तो इस पे हम एक tangent line बनाएंगे, तो उस पे circle के लिए, because the circle is given as the x square plus y square equals to 4, and we have this point minus root 3 comma 1 is the point, ठीक है, so इस पे x x dash tangent line बनाता हूँ मैं, ये tangent line इस point पे meet करेगा, तो हमें ये coordinate मिलेगा, second ये coordinate हमें 2 comma 2 मिल चुका है, similarly हम same condition पे इसको copy करके बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे ये होगा, so we are finding this one, यही हमारे लिए important है, so x dash is minus root 3 plus y y dash is 1 equals to 4, तो minus root 3x plus y equals to that is 4 a है, ठीक है, अब आपका y axis पे x 0 हो जाएगा, तो x 0 हो जाएगा, तो y 4 हो जाएगा, तो 0 4, so we can say the e3 point, तो ये जो e3 point है, वो आपका 0 4 हो जाएगा, और इसी तरह से similar condition है, similar condition यहां की है, क्योंकि ये 1 1 पे इस तरफ है, ये इस तरफ था, ठीक है, तो ये आपका F3 के coordinates जो है 4-0 हो जाएंगे, और third point जो G3 था, G3 is well known, that is the 2-2, तो ये जो line है 4-0-0-4, और इससे जो pass होता है, ये तो straight line है, this is 4-0-0-4, and this point is a 2-2, तो ये point हमने निकाला था E3, this is E3, and this is the F3, and this point is G3, so this is G3, and which is 2-2, so what we can say about this, ये जो तीनों points निकल के आए थे, question ये पूछा गया था guys इसमें, and that G1, G2, then the points E3, F3 and G3 lie on the curve, तो किस पे lie कर रही है, they are lying on the circle, on a straight line, और sir straight line की equation जो है x plus y equals to 4 है, इस curve पे lie कर रहे हैं, this is the curve, जो curve इसको चाहिए था, वो आप लिख सकते हैं x plus y equals to 4, a option इसमें right आएगा, but this question is full of information, सारी information इसमें, इतनी सारी information given थी, उन सबको set करके पहले ये देखना था, और ये diagram, इसीलिए मैंने ले लिया directly, कि इसको, ये आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, कि किस तरह से हम सारी चीजों को, इतनी सारी information, lot of information available into the question, तो वो सारी चीजों को यहाँ पे हम इसको place कर पाए, इसका diagram बन गया, and then you are able to understand the question properly, right guys, इसके बाद next question पे चलते हैं, so guys this is the next question, JEE Advanced 2018 paper 1, और इसमें मैंने एक काम किया कि ये question paragraph based था, और 18 का है, and so it has the there are the total two questions, तो जो सेकंड क्वेश्चन था वो सर्कल बेस्ड नहीं था, तो इसमें खाली मैंने एक ही क्वेश्चन ले लिया जो सर्कल बेस्ड था, तो आपका जो पैराग्राफ है वो सिंपल इतना सा था, लेट एस बी द सर्कल इन एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन, तो सर्कल की इक्वेशन इतनी सी दी हुई थी, एंड ही हैज गिवन द टू क्वेश्चन 16 एंड 17, लेकिन हम खाली 16 ले रहे हैं बिकॉज ये हमारे सर्कल पे बेस्ड है, सो लेट द पी बी द पॉइंट ऑन द सर्कल एस, P with the point on the circle as with the both the coordinates being the positive, दोनों coordinates इसके positive हैं, तो circle तो आप straight forward देख पा रहे हो कि किस तरह का circle है, because ये center आपका 0 0 पे हो जाएगा,
सो दिस इज द सर्कल ही हैज गिवन द सिंपल सर्कल. ठीक है, अब यहाँ पे इस पे कोई भी पॉइंट पी है, सो दैट इज द, वो खाली इतनी इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव. तो एक्स और वाई दोनों उसके पॉजिटिव है, तो ऐसा हम बना सकते हैं ये. ठीक है, सो दिस इज द टेंजेंट. सो लेट टेंजेंट टू एस एट द पॉइंट पी इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द एम एन. तो ये टेंजेंट मैंने बना दिया और उसको एम और एन पे ये इंटरसेक्ट करना बोल रहा है. तो टेंजेंट इज देयर, वी हैव ड्रॉन द टेंजेंट टू एस एट द पॉइंट पी इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द एम एन. वो किया, देन मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन. तो इसका जो मिड पॉइंट है, लेट से वो एम एन एंड पी क्यू, लेट से क्यू पे है. ठीक है, सो ही रिक्वायर्स द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन मस्ट लाई ऑन द कर्व. सो इट मीन्स इट विल बी देन लोकस, डेफिनेटली ये लोकस होगा और उस लोकस को हमें फाइंड आउट करना, इट इज गोइंग टू द मिड पॉइंट. ठीक है, तो अगर ये एच के पॉइंट है और इधर इधर कट कर रहा है, तो हमें पता है इसको 2h, 0 और इधर जो n कोऑर्डिनेट है उसको 0, 2k लिख लेंगे बिकॉज इट इज गोइंग टू द मिड पॉइंट. तो आपका 2h + 0 / 2h आ गया. इसी तरह से ये भी आ जाता है. ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज देयर x1 y1 पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल x² + y² = 4. तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि जो सर्कल पे लाई कर रहा है तो x² + y² = 4 उसको सेटिस्फाई करेगा. एंड सेकेंड पॉइंट हम इस पे टेंजेंट लाइन बना देते हैं, टेंजेंट लाइन बना देते हैं और एक टेंजेंट लाइन ये भी बना देंगे जिसका कि मिड पॉइंट गिवन है और तो उसके 2h और 2k उसके इंटरसेप्ट्स हैं. सो ऑल्सो जो टेंजेंट आप क्रिएट कर सकते हो, देखिए टेंजेंट x/2h + y/2k क्योंकि ये इंटरसेप्ट्स की लेंथ है, 0, 0, 2k और ये वाली है. सो दिस इज वन टेंजेंट एंड सेकेंड टेंजेंट हम बनाएंगे इस सर्कल के इस पॉइंट पे. ठीक है, x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन द दिस एंड दिस इज गोइंग टू द टेंजेंट लाइन. तो उसको हम इस तरह से बनाते हैं x x1 / x x1 + y y1 = 4. ठीक है, इस चीज को मैं वैसे लिख लेता हूँ, x x1 4 नीचे ले लेंगे, 4 / x1 उसके नीचे चला जाएगा, y/4/y1 जंप लेके नीचे आएगा. दिस इज टेंजेंट और जो हमने यहाँ क्रिएट की x/2h और y/2k = 1, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट. सो दीज बोथ टेंजेंट आर सेम, बोथ आर सेम. ठीक है, दोनों अगर सेम है तो ये जो पोर्शन होगा इसका 4/x1 = 2h हो जाएगा. ठीक है, एंड वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ x1. तो ये x1 की, ये दिस इज गोइंग टू द 2/x1 = simply h और वी कैन राइट 2/h = x1. ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये कंडीशन में मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो इस तरह से हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. राइट गाइस, सो सेकेंड इसी तरह से आप लिखोगे 2/k = y1 एंड वी विल पुट इन टू द फर्स्ट इक्वेशन. इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एज वी नो दैट x² + y² = 4. x² मीन्स दिस इज 4/h². ठीक है ना, 4/h² प्लस का 4/k² एंड इट इज गोइंग टू द 4. 4 आप हटा दीजिए और h² k² से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू द k² + h² = h² k² गाइज, इसका जो लोकस लिखोगे वो हो जाएगा x² + y² = x² y² एंड सीधा आंसर x² + y² = x² y² डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा. चेक हियर, डी ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज 2xy 3xy एंड दिस इज द परफेक्ट वन विच इज ये जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया उससे मैच करा. राइट, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो गाइज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई एडवांस 2017 पेपर 1, और पेपर 1 का इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये भी. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन
For how many values of p the circle is given as the x square plus y square plus 2x plus 4y minus p equal to 0, and the coordinate axes have the exactly three common points. तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये सर्कल ओनली थ्री कॉमन पॉइंट शेयर करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको पहले सर्कल को हम प्रॉपरली इसको लिख लेते हैं किस फॉर्मेट में लिखना है, सो दैट वी नो दैट जिस तरह से अगर वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे वी सी दैट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, तो इसको मैं x प्लस वन का स्क्वायर बना देता हूँ, सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखेंगे। सो y स्क्वायर प्लस फोर वाई है, तो y प्लस टू का हमने होल स्क्वायर बनाया, सो प्लस वन इधर ऐड किया है प्लस फोर इधर ऐड किया है, तो अल्टीमेटली फाइव इस तरफ ऐड हुआ, सो वी हैव टू ऐड द फाइव टू द राइट हैंड साइड ऑल्सो टू की, तो बैलेंस इस तरह से हो गया। तो रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस जो है इस पर्टिकुलर सर्कल की रूट ऑफ पी प्लस फाइव है, और क्वेश्चन इसने ये बोला कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी, पी की कितनी वैल्यूज होंगी गाइस जिसके के लिए ये जो सर्कल है दिस विल हैव द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव द एग्जैक्टली थ्री कॉमन पॉइंट्स। अब जो कॉमन पॉइंट्स होती हैं उसकी पॉइंट ये होता है कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, हो सकते हैं, या पॉइंट टच भी कर सकते हैं। तो हम सारे केसेस देखते हैं, देखिए कि जो केसेस हम बना सकते हैं उन केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक सर्कल अगर हम लेंगे तो ये तो कन्फर्म है कि माइनस वन माइनस टू, तो इसका जो सेंटर है वो आपका माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस वन माइनस टू लगभग यहाँ कहीं है, और अगर मैं इसमें एक सर्कल हम इस तरह से बनाएं, सो माइनस वन माइनस टू जिसकी रेडियस आपकी टू हो, तो टू रेडियस वाला जो सर्कल होगा वो इस तरह से यहाँ इसको इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर जाएगा और एक्स एक्सिस पे टच करेगा। सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू द माइनस टू जीरो, और एक पॉइंट ये होगा एंड दिस विल बी द अनदर पॉइंट, सो दीज विल बी द थ्री पॉइंट्स, तो ये आपके तीन पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसे केस में इसकी जो रेडियस होगी वो टू होगी गाइस, तो रेडियस यही लिखी है, सो वी कैन राइट द दिस इज द पी प्लस फाइव, पी प्लस फाइव इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, यहाँ पे आता है आर स्क्वायर वैल्यू आती है, तो यहाँ पे फोर लिखेंगे तो दैट विल गिव यू द पी वैल्यू टू बी द माइनस वन। तो एक केस तो ये हमारा सक्सेसफुल रहा कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। और केस के बारे में आप देखिए, सेकेंड केस, सारे केसेस जो हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव द एग्जैक्टली थ्री कॉमन पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो सर्कल है जैसे यहाँ पे ये टच कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ओवरऑल थ्री पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये आपका सर्कल शेयर कर रहा है, देर आर द थ्री पॉइंट्स हियर, राइट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हो सकते हैं वो सर्कल के साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस का, और जो पॉइंट टच करता है वो भी गाइज इसमें हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह की बात रहेगी। अच्छा, सेकंड केस की बात करें जो हम बना सकते हैं, मान लीजिए एक सर्कल में इस तरह से बनाऊं कि आपका माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू तो ठीक है, लेकिन उसको मैं यहां से पास करा दूं गाइज, इसको मैं पास करा दूं इस तरह से, रेडियस और हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, तो अगर ये पॉइंट यहां से अगर निकलेगा तो डेफिनेटली द सर्कल विल बी लाइक दिस, इस तरह का सर्कल बनेगा, और ये एक पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा एंड दिस विल बी द थर्ड पॉइंट, राइट। सो इन दिस केस द रेडियस इज रूट फाइव, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है माइनस वन माइनस टू से ओरिजिन की डिस्टेंस है, दिस इज अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, वी कैन से दिस कैन बी द सेकेंड केस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन से जो पास होने वाला सर्कल होगा उसकी रेडियस हो जाएगी रूट फाइव। ऐसे केस में जो पी प्लस फाइव की वैल्यू है इसको इक्वल्स टू रूट रेडियस का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे फाइव ही लिखेंगे, सो पी इक्वल टू जीरो, तो सेकंड केस भी हमारा सक्सेसफुल है। अब मैं दूसरे के और केस के बारे में सोच लेते हैं हम, वेदर इट विल बी पॉसिबल और नॉट। अगर सर्कल इस तरह का है तो दूसरे पॉइंट्स क्यों पॉसिबल नहीं होंगे गाइस, वो मैं बता रहा हूँ आपको, माइनस वन माइनस टू। अगर आप यहाँ ये सर्कल लेते हैं, अगर इसकी रेडियस माइनस वन लेते हैं तो खाली एक ही पॉइंट शेयर करेगा, और इससे ज़्यादा अगर हम बढ़ा देते हैं जो रेडियस हमने यहाँ ली है दैट इज़ द रूट फाइव रेडियस,
रूट फाइव से जैसे ही आप एक्सटेंड कर देते हैं रेडियस, रेडियस को एक्सटेंड कर देंगे, तो ओवरऑल ये जो केसेस हैं इट विल बी हैविंग द वन टू एंड थर्ड एंड दिस विल द फोर पॉइंट, तो ये केस आगे फिर केस बनेगा नहीं, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में यही पूछा था, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी, सो दीज वैल्यूज, तो इसका जो आंसर है, आंसर आप यही कर सकते हैं कि टू वैल्यूज, या जो जिस तरह भी अगर न्यूमेरिक बेस्ड है तो आंसर टू आएगा, कि इसमें पी की दो वैल्यूज पॉसिबल है, पी इक्वल टू माइनस वन और पी इक्वल टू जीरो, इन केसेस में ये होगा, थर्ड केस इसमें बनेगा नहीं। सो गाइज, ये हमारा पार्ट 45 तक हमने कंप्लीट कर लिए सारे क्वेश्चंस, 2010 से 2020 तक अप टू पार्ट 45 तक सर्किल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आगे जब भी और एग्जाम्स होंगे, और आई विल अपडेट आफ्टर द वन और टू एग्जाम्स, मीन्स जेई मेन्स अगर मेन्स का और एडवांस का रहता है, सो अगर दो एग्जाम्स होते हैं तो फर्दर क्वेश्चंस फिर मैं इसी तरह से चैनल पे अपडेट करता रहूंगा। सो कीप वॉचिंग एंड रिमेम्बर वन पॉइंट, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन द 35% ओनली सब्सक्राइब्ड एंड 65% बच्चे जो है विदाउट सब्सक्राइबिंग चैनल को देख रहे, ठीक है। सो आई वॉन्ट योर सपोर्ट इन दिस केस, मैं ये चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, बिकॉज 100% इट इज़ नाउ फ्री फॉर यू, ठीक है। तो सारे सभी वेल सिस्टमेटिक अरेंज्ड चैप्टर्स और विद द पार्ट्स, एवरी पार्ट इज़ नाउ फ्री, एवरीथिंग 100% चैनल इज़ नाउ फ्री is available to you, so you subscribe the channel and share it to the other students also. So जो भी बच्चे economically poor हैं, उनको लगता है कि वो चीज़ों को workout नहीं कर सकते, तो यहाँ सारा जो well arranged आपको videos हैं वो सारे मिल जाएंगे। Even notes के मैंने लिए भी मैंने आपको बताया कि notes available है, आप किसी भी chapter का part वन जैसे ही open करेंगे, पार्ट वन ओपन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, तो वहाँ पे आपको थ्योरी मॉड्यूल, सॉल्व एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है गाइस, राइट। सो इट हियर यू हैव द एवरीथिंग इज फ्री, कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट बचता है वो आपकी प्रैक्टिस बचती है, यू शुड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, सो दैट वो जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो मैनुअल कोचिंग का एक पार्ट होता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें देखता है, जो मोटिवेशन मिलता है वो आप सेल्फ मोटिवेशन आप कर सकते हैं इस तरह से, बट यू हैव टू बी मोर सिस्टमेटिक इन ऑनलाइन कोचिंग, आपको ज़्यादा सिंसियर होना पड़ेगा, सारी चीज़ें प्रॉपरली देखनी पड़ेंगी, एक चैप्टर बाई चैप्टर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती गाइस, क्वेश्चंस करने होते हैं, सारी चीज़ें सेल्फ आपको करना होता है। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।